के आलमपुर से आ रही है, जहां आलमपुर के मुख्य बाजार में इस समय अचानक आग लग चुकी है और उसको बुझाने का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। जिस प्रकार से तस्वीरों में देख रहे हैं जो आग लगी हुई है और किस प्रकार से आग लगी है, इस संबंध में हमारे बीच में आलमपुर संवाददाता रोहन अग्रवाल जी फरमाइश से देख चुके हैं। अग्रवाल जी, जानकारी लेना चाहेंगे किस प्रकार से आग लगी है, क्या जानकारी आपके पास? ये आग क्या है कि मुख्य बाजार है और मुख्य बाजार में एक बिजली का पोल लगा हुआ है, उस पर घरेलू कनेक्शन के लिए लाइनें निकली हुई है उस पोल से। जी जी। तो क्या होगा कि दोपहर का समय था अभी 3 बजे का, तो एकदम देखा तो वहाँ पे स्पार्किंग होने के कारण उन्होंने आग लग के जो भट्टियां बनी हुई थी दुकानों के बाहर, और तो वो आग एकदम फैलती चली गई। फिर मोहल्ले वाले जो लोग थे उनके सहयोग से आग पर अब काबू पा लिया गया है, लेकिन एक मोटरसाइकिल वहाँ पर धरी हुई थी और वो मोटरसाइकिल जरूर नुकसान हुआ है, वो मोटरसाइकिल जल चुकी है। अग्रवाल जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे, गाड़ी किसकी गाड़ी है और कौन सी गाड़ी है, क्या कुछ? ये बजाज की थी, प्लेट में बजाज बॉक्सर गाड़ी थी और ये पप्पू शर्मा है उनकी गाड़ी थी। जी, तो अब आग पर आप लोगों ने प्रयास करके आग पर काबू हो गया क्या? हाँ हाँ, आग पर क्या है कि दो लोग थे, दीपक अग्रवाल और एक संजीव झा, जिस समय आग लगी वो दोनों लोग वहाँ बैठे हुए थे चौराहे पर, तो इन दोनों लोगों का 20,000 में मकान है और उन्होंने प्रयास करके पूरी आग पर अपने घर से बाल्टियों से पानी डाला और वो आग पर अब काबू पा लिया गया है। जी अग्रवाल जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन चल रहा है तो लोग अपने घरों में बैठे है, बाजार एकदम सुनसान है, जिस प्रकार से आपकी तस्वीरें इस समय दिखाई दे रही है, तो क्या लगता है आपको? नहीं, अब वो तो सर क्या है कि लॉकडाउन है तो उस वजह से सुनसान रहती है बाजार में। जी जी जी। तो चलिए, तो इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर रोहन अग्रवाल जी जुड़ी हुई थे आलमपुर से, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पर बात करने के लिए। न्यूज लगातार गांव में पहुंच रहा है, गांव में किसानों की आवाज़ सुन रहा है, मजदूरों की आवाज़ सुन रहा है और गरीब दलित पीड़ित शोषित महिलाओं की आवाज़ आप तक पहुंचा रहा है। आपकी जन अदालत न्यूज़ का साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए ताकि हम लगातार गांव के लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचा सके। जुड़े रहिए हमारे साथ।